हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आपको आज वीड पेन कैमरा कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग डिटेल में इसमें बताएंगे। इसमें वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे होगी और फोटो क्लिक कैसे होती है, चार्जिंग के टाइम क्या इंडिकेशन आएंगी और क्या मेमोरी कार्ड इसमें सपोर्ट होगा, कौन सा मेमोरी कार्ड आपको डालना है, वो सब डिटेल्स में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कैमरा दिखा रहे हैं, ये वीड पेन कैमरा है, ठीक है, लेटेस्ट कैमरा है ये। ऊपर यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन है, सामने ये लेंस कवर दिया हुआ है, जब हमने रिकॉर्डिंग करनी है तब ये कैमरे का जो लेंस के आगे दिया हुआ कवर है ये नीचे की तरफ होना चाहिए, और अगर आप कैमरा को हाइड करना है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, बट जब ये बंद होगा अगर वीडियो बन रही है तो ब्लैक वीडियो बनेगी, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड होगी आपकी। तो इस तरीके से आपको इसको नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये पेन दिया हुआ है, आप नॉर्मल इसको एज ए पेन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज तो आप ये पेन की तरफ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपको ये पेन कैमरा मिलेगा तो आपने इसको चार्ज करना है 1 घंटे के लिए। चार्जिंग के लिए केबल आपको साथ मिलेगी, चार्जर आप अपने फ़ोन का कोई भी USB चार्जर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस केबल को लगाना है ऐसे, और कोई भी फ़ोन का चार्जर, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये चार्जर लगा हुआ है तो हम लोग इसमें इसको सीधा लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर इसके इंडिकेशन आएगा लाइट का, इसमें आपको रेड और ब्लू लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी। ये देखिए, इसमें दिखाई दे रही है आपको लाइट ब्लिंक हो रही है, तो ये चार्ज हो रहा है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी, स्टेबल हो जाएगा, ये लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाएगी और ये ऐसे चार्ज होगा 1 घंटे के लिए। आपने इसको चार्ज कर लेना यूज़ करने से पहले, और चार्जिंग करने के टाइम पर आप इसमें मेमोरी कार्ड ना डालें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मेमोरी कार्ड को अपने निकाल कर फिर यूज़ करना है। मेमोरी कार्ड इसके साथ नहीं आएगा, मेमोरी कार्ड आपको अपना खुद से डालना है, और मेमोरी कार्ड हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो क्लास 4 का मेमोरी कार्ड रिकमेंड करते हैं, सैंडिस कंपनी बढ़िया कंपनी है, इसका हम लोग मेमोरी कार्ड आपको रिकमेंड करते हैं। इसमें आप 16 GB, 16 GB या 32 GB, 32 GB मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड अगर आपके पास है तो आपने जो भी मेमोरी कार्ड इसके अंदर यूज़ करना है 16 या 32 GB का, उसको पहले अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लगा कर फॉर्मेट कर लेना है, जैसे हम लोग कोई भी नॉर्मल पेन ड्राइव या कुछ भी फॉर्मेट करते हैं वैसे सेम आपने अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर लेना, बिल्कुल खाली होना चाहिए मेमोरी कार्ड कैमरे में यूज़ करने से पहले। तो ये इस तरीके से आपका चार्ज होता रहेगा। अभी इसमें कुछ चार्जिंग हो रखी है तो मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ कि इसमें मेमोरी कार्ड कैसे लगेगा और इसमें हम लोग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो मेमोरी कार्ड जो लगाना है हमने वो ये जो डायरेक्शन है ये इस तरीके, देखिए ये ऊपर है ये बैक है, तो बैक की तरफ ऐसे रहेगा, ये मेमोरी कार्ड लग गया, हल्का सा बाहर रहता है इससे आगे नहीं जाएगा, ये मेमोरी कार्ड लग गया। मेमोरी कार्ड आपका प्रॉपर डिटेक्ट होगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये लाइट फ्लैश होकर बंद हो जाती है, और चार्जिंग भी होनी चाहिए, चार्जिंग भी कम होगी तो भी ये यूज़ नहीं हो पाएगा। तो अब हमने मेमोरी कार्ड इसमें ऑलरेडी पहले से ही फॉर्मेट किया हुआ है, इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही हमने इसको चार्ज भी कर लिया है। अब हम लोग इसमें जो पहली बात चीज़ है वो हम लोग देखेंगे इसमें अब वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे बनेगी। तो सबसे पहले ऊपर वाले बटन को हम लोग 1 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, ब्लू लाइट आएगी यहाँ पर, ये देखिए 1 सेकंड प्रेस करके रखा तो यहाँ ब्लू लाइट आ गई। अब इसी बटन को दोबारा 1 सेकंड प्रेस करके छोड़ देना है तो ये ब्लू लाइट जो है 3 बार ब्लिंक होकर, 3 बार जगबुज होकर बंद हो जाएगी। अब इसमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही है, प्रॉपर लाइट में आप वीडियो शूट कीजिए, प्रॉपर लाइट हो, आउटडोर इनडोर जहाँ भी आप करना चाहें प्रॉपर लाइटिंग में यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा इसका 1080p Full HD वीडियो रिकॉर्ड होता है ऑडियो के साथ। और जब आपने रिकॉर्डिंग को प्ले करना होगा तो आपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करना है, रिकॉर्डिंग को देखने के लिए और सुनने के लिए VLC मीडिया प्लेयर, साथ में आप कोई हेडफोन वगैरह भी अपने लैपटॉप कंप्यूटर के साथ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ऑडियो आपको और क्लियर सुनाई देगी। तो अब यहाँ पर ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही है, जब हमने अब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को सेव करना है तो इसी बटन को हम लोग सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लू लाइट दोबारा वापस आ जाएगी, ये देखिए ये अब आपकी वो जो रिकॉर्डिंग बन रही थी वो पॉज हो गई है, सेव हो गई है। तो अगर हम लोग अब इसको नहीं यूज़ करेंगे तो ये 30 सेकंड के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं मैनुअली इसको ऑफ करना तो इस बटन को तब तक प्रेस करके रखना जब तक ये लाइट बंद ना हो जाए, ये देखिए ये बटन प्रेस करके रखना आपने तब तक वो लाइट जो है वो बंद ना हो जाए, ये लाइट बंद होगी, ये आपका कैमरा शट डाउन हो गया, कैमरा पूरा ऑफ हो गया, अब आपकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर सेव है और कैमरा भी आपका ऑफ हो चुका है। अब आप इसको
मेमोरी कार्ड को निकाल कर एक मेमोरी कार्ड रीडर में डालकर भी अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी इसको आप लैपटॉप से अटैच कर सकते हैं किसी केबल के साथ। बट कुछ लैपटॉप के अंदर ये सीधा डिटेक्ट नहीं होता, कई बार कुछ एंटीवायरस होते हैं जो उसको डिटेक्ट नहीं होने देते एसडी कार्ड को डायरेक्टली, और विंडोज़ भी कई बार उसको डिटेक्ट नहीं होने देते, जैसे मैक का सिस्टम होता है तो वो थर्ड पार्टी सिस्टम्स को अलाउ नहीं करता डिटेक्ट होने के लिए। तो आप मेमोरी कार्ड रीडर को यूज़ कीजिए, वो सबसे बढ़िया तरीका है। मेमोरी कार्ड रीडर जो है वो इजीली डिटेक्ट करवा देता है एसडी कार्ड को। तो मेमोरी कार्ड रीडर हम लोग रिकमेंड करते हैं, आप मार्केट से मिल जाता है इजीली 5,000-200 रुपये का। तो आप मेमोरी कार्ड रीडर यूज़ करके अपना फाइल्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक मोड इसके अंदर और है, इस पेन के अंदर पर्टिकुलर के अंदर जो ये न्यू बीएड पेन मॉडल है, इसके अंदर जो है वो है फ़ोटो क्लिक करने का। तो फिर से हमने अब फोटो क्लिक करनी है, तो हम लोग यहाँ पर इसको एक सेकंड दबाएंगे, ये ब्लू लाइट आ गई। अब इसको सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे हम लोग, ये क्लिक किया, ये ब्लू लाइट जाकर वापस आ गई, क्लिक किया तो ये उतनी बार फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो स्टैंड बाय मोड कहते हैं इसको, जब हम लोग ब्लू लाइट जब चल रही है तो स्टैंड बाय मोड होता है। इसमें स्टैंड बाय मोड में जितनी बार क्लिक करेंगे ये फोटो क्लिक करता रहेगा। पर जो ये मेन पेन का यूज़ होता है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए ही यूज़ होता है। फ़ोटो क्लिक जब हम लोग हाथ में पकड़े करते हैं तो हल्का सा भी शिवर होता है तो वो जो फ़ोटो आती है ब्लर आती है। तो मेन इसका जो इस्तेमाल होता है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए होता है। एक बार चार्ज करने के बाद 80 से 90 मिनट की रिकॉर्डिंग बनाता है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, और बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको अगर लगता है कि इसके अंदर कोई आपको यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, तो प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको फर्दर हेल्प करेंगे। चार्जिंग का आपने ध्यान रखना है कि एक घंटे चार्ज करना है। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग चार्ज करते हैं तो वो लाइट एक घंटे के बाद भी स्टेबल नहीं होती, तो हम लोग उसको 2-3 घंटा 4 घंटा भी चार्जिंग पर लगा के देखते हैं, जिसकी वजह से इसकी बैटरी डैमेज हो जाती है। तो हमने चार्ज इसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा ही करना है। अगर लाइट नहीं स्टेबल हो रही तो भी आप इसको हटा दीजिए चार्जिंग से एक घंटे के बाद, एक घंटे से ज़्यादा चार्जिंग पर नहीं लगा कर रखना है इसको। इस चीज़ का आपको इस्तेमाल रखना है, जितना कम चार्ज आप करेंगे उतना डिवाइस की लाइफ ज़्यादा रहेगी। अगर मान लो आपको लगता है कि मुझे तो 15-20 मिनट के लिए यूज़ करना है, तो आपको एक घंटा चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आप आधा घंटा ही चार्ज कीजिए उसको। जिस दिन आपको लगता है कि मुझे अभी 70-80 मिनट 90 मिनट का रिकॉर्डिंग बनाना है, मेरे को यूज़ करना है, तो उस दिन आप इसको एक घंटा कंप्लीट चार्ज कीजिए। तो चार्जिंग का आपने खास ध्यान रखना है, जितना कम चार्ज करेंगे उतना बैटरी की लाइफ बनी रहेगी और बैटरी आपका लॉन्ग टाइम यूज़ होगी। मेमोरी कार्ड हम लोग रिकमेंड करेंगे जब भी आपने यूज़ करना है उसको, मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करके या उसमें से जो फाइल्स आपकी ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको कॉपी पेस्ट करके सेव करके रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले उसको कम्प्लीट खाली कर दीजिए, उसको ब्लैंक करके फिर यूज़ कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है डिवाइस में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।